कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज झुंझुनू आएंगी। झुंझुनू के अडावता में स्वर्गीय श्री श्याम ओला की मूर्ति का अनावरण करेंगी। अडावता गांव में एक बड़ी जनसभा भी है जिसे संबोधित प्रियंका गांधी करेंगी। मुख्यमंत्री गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसी चीफ डोटासरा, सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। जनसभा में प्रदेश की गृहणियों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं क्योंकि संकेत पहले ही दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक के द्वारा ट्वीट करके मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रियंका गांधी बड़ी घोषणाएं करेंगी, ये गृहणियों के लिए घोषणाएं हो सकती हैं। और हमारे सहयोगी लगातार जानकारी भी दे रहे थे कि घोषणाएं महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा से जुड़ी हो सकती है, बालिकाओं की शिक्षा से जुड़ी हो सकती है घोषणाएं। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी अपनी घोषणाओं से चौंका भी सकती हैं। और प्रियंका गांधी का 5 दिन के भीतर ये दूसरी विशाल बड़ी जनसभा, विशाल जनसभा जिसे प्रियंका गांधी संबोधित करने वाली हैं। इससे पहले दौसा के सिकराय पहुंची थी, जन जागरूकता अभियान के समापन के मौके पर दौसा के सिकराय के कांदौली गांव में प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित किया था। और अब फिर एक बार राजस्थान में प्रियंका गांधी की बड़ी सभा झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र, जहां कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव में अच्छा रहा था। विजेंद्र सिंह ओला, जिनके परिवार की बात की जाए तो परिवार का राजनीति से गहरा रिश्ता रहा है और एक बड़े नेता के तौर पर श्री श्याम ओला की छवि रही है। स्वर्गीय श्री श्याम ओला जिनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचेंगी प्रियंका गांधी और सभा को संबोधित करेंगी। उनके साथ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। संदेश देने की कोशिश प्रियंका गांधी के द्वारा की जाएगी। दिखने लायक रहेगा किन बिंदुओं पर प्रियंका गांधी बीजेपी को घेरती है, क्योंकि एक तरफ पिछली बार प्रियंका गांधी ने जमकर बीजेपी को घेरा था। सीएम फेस को लेकर के भी प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी निशाने दागे प्रियंका गांधी ने। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान में लाई गई योजनाओं का जिक्र उन्होंने किया था। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान में लाई गई है। इसके बाद मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने भी प्रियंका गांधी पहुंची थी, जहां की फोटो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय भी बनी थी। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ झुंझुनू से सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुड़े हैं। विनोद, जानकारी दीजिएगा प्रियंका गांधी की जनसभा को लेकर किस तरह की माकूल व्यवस्थाएं वहां की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव जो प्रियंका गांधी है वो 11:30 बजे सभा स्थल पहुंचेंगी। उससे पहले वो श्री श्याम ओला की प्रतिमा का अनावरण करेंगी, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगी और दूर दराज यानी झुंझुनू की दूर दराज इलाकों से लोग पहुंचने लग गए हैं, खासकर महिलाओं को। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था कि राजस्थान की गृहणियों को वो तोहफा दे सकती हैं, तो इसके बाद अब महिलाओं की संख्या ज्यादा नजर आने की संभावना है और महिलाएं धीरे धीरे पहुंचने भी लग गई हैं सभा स्थल, क्योंकि देखिए झुंझुनू के आसपास के इलाके की भी महिलाएं और पुरुष बहुत ज्यादा आएंगे और प्रियंका गांधी जो स्टार प्रचारक के रूप में आ रही है कांग्रेस की, उनको सुनने का उनका एक आभा मंडल है और प्रियंका को सुनने के लिए भी वैसे भी महिलाओं की संख्या ज्यादा रहती है। और इसी बीच जब ट्वीट आ गया मुख्यमंत्री का कि महिलाओं गृहणियों को वो तोहफा दे सकती हैं, घोषणाएं कर सकती हैं चुनावी माहौल के बीच, तो महिलाओं की संख्या ज्यादा रहने वाली है और तैयारियां अच्छी चल रही है। और 11:30 बजे देखने वाली बात ये होगी कि जो सभा स्थल पर सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है बैठने का, वहाँ क्या व्यवस्था रहती है, कितनी संख्या में महिलाएं आती हैं। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरीके से पिछली सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रीटा चौधरी की सभा को संबोधित करने गए थे झुंझुनू में, तो आलम यह था कि खचाखच डोम भरा हुआ था, महिलाएं पीछे तक बैठी थी और महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि झुंझुनू में इस बार जब प्रियंका गांधी सभा करने आ रही है तो महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी और महिलाओं को भी इंतजार रहेगा, गृहणियों को भी, वो क्या कुछ देखे जा सकती है। जी चलिए विनोद, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।